हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे सैमसंग गैलेक्सी J6 की अनबॉक्सिंग। जो हमारे पास ये वेरिएंट है वो 64 GB वाला वेरिएंट है। आपको इसमें तीन वेरिएंट मिल जाते हैं, 16, 32 और 64। तो कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स मिल जाता है, देख सकते हो। सामने की तरफ आपको J6 इन्फिनिटी डिस्प्ले की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको सारी डिटेल्स मैंशन है इस फ़ोन की। इसमें हमें 5.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है एमोल्ड वाली। और इसमें जो बैक कैमरा है वो 13 MP का कैमरा, सामने का 8 MP कैमरा दिया हुआ है और एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो ये हाईलाइट फीचर है इसके। इसमें आपको दिख जाएगा इंडियन सिम कार्ड ओनली। अगर आप फ़ोन को परचेस करते हो तो पहले आपको अपनी इंडियन सिम कार्ड डालनी पड़ेगी इसके अंदर, उसके बाद ये फ़ोन आप एक्टिवेट करके यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन मिल जाता है। तो चलिए पैकेजिंग से बाहर निकाल लेते हैं इसको, इसमें से, और देख लेते हैं हमारे फ़ोन का डिज़ाइन और क्वालिटी क्या प्रोवाइड किया हमें सैमसंग। तो कुछ इस तरीके से आपको 5.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है सुपर एमोल्ड वाली। पीछे की तरफ आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन मिल जाता है, देख सकते हो। सैमसंग की ब्रांडिंग भी काफ़ी शाइनी है इसकी, बैक पैनल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए एक जल्दी से इसका फिज़िकल ओवरव्यू ले लेते हैं। सामने की तरफ आपको 8 MP का कैमरा मिल जाता है, एक फ्लैश लाइट मिल जाती है। नीचे के बाजू आपको कुछ भी नहीं मिलता है और देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको 13 MP का कैमरा मिल जाता है, एक फ्लैश लाइट मिल जाती है और एक सेंसर मिल जाता है और एक प्यारा सा डिज़ाइन मिल जाता है। फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर मिल जाता है एक पावर बटन के साथ। फ़ोन के ऊपर की तरफ आपको कुछ भी नहीं मिलता। फ़ोन के राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स के साथ 2 SIM ट्रे मिल जाती है। इसमें आप अपना एक मेमोरी कार्ड लगाकर इसकी स्टोरेज 256 GB तक बढ़ा सकते हो और 2 नैनो SIM आप एक साथ इसमें चला सकते हो। फ़ोन के नीचे की साइड पे आपको माइक्रो USB केबल टाइप पोर्ट मिल जाता है और 3.5 mm का जैक मिल जाता है और एक माइक मिल जाता है। तो ये इसका फिज़िकल ओवरव्यू था। तो चलिए जल्दी से मैं कर लेता हूँ इसको बूट। तो चलिए जब तक ये बूट होता है देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या कंटेंट मिल जाते हैं। तो इसके अंदर हमें एक मिल जाते हैं क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल, तो इसे रख लेते हैं साइड में। एक हमें मिल जाता है अडप्टर जो कि है 5 W 1 A का। फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मल ही है, बेसिक वाला, सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ ही आपको मिलता है। एक माइक्रो टू माइक्रो USB केबल मिल जाती है वाइट कलर में। एक सिम इंजेक्शन पिन मिल जाती है और एक नॉर्मल सी एयरफोन्स मिल जाते हैं बेसिक वाले। तो यही बस यही था इस फ़ोन के बॉक्स के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं हमारे डिवाइस की तरफ। तो कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन। 5.6 की इंच की डिस्प्ले है लेकिन आप काफ़ी इजीली से होल्ड कर सकते हो। फ़ोन के डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमारा फ़ोन बूटअप हो गया है। तो चलिए मैं इसकी डिस्प्ले पर नज़र मार के दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से आपको ब्राइट डिस्प्ले मिलती है इस फ़ोन के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आपको आइकन्स मिल जाते हैं, देख सकते हो। इन डिस्प्ले आपको इसमें सारे बटन्स मिल जाते हैं, बैक मेन्यू और मल्टीटास्किंग बटन। तो कुछ इस तरीके से आपको सारी डिटेल्स आइकन्स मिल जाते हैं। चलिए मैं स्टोरेज आपको चेक करके दिखा देता हूँ कितनी स्टोरेज हमें इसके अंदर प्रोवाइड करता है सैमसंग 64 में से। तो 64 में से आप देख सकते हो उसमें लगभग हमें 51 GB फ्री मिल जाता है। और इसमें जो हमें रैम मिल जाती है वो मिल जाती है हमें 4 GB में से 253 GB फ्री मिल जाती है। तो 1 GB इन्होंने यूज़ कर रखी है फ़ोन ने। तो कुछ इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन मिल जाता है, ओरियो के साथ आता है ये फ़ोन। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। 16 GB वाला ना खरीद के आप इसका 32 GB वाला वेरिएंट खरीदिए 13,990 रुपये में। काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा, इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। सैमसंग के फ़ोन डिस्प्ले और कैमरे के मामले में काफ़ी अच्छे हैं स्टार्टिंग से। तो चलिए ये थी एक सैमसंग J6 के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ।